हेलो एवरीवन, आज हम लोग टेलीप्राइम के अंदर TCS बनाएंगे। TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो TCS हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं टैक्स इसका, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे और साथ में VAT भी जानेंगे, क्योंकि TCS के साथ हमेशा VAT भी लगता है। इसलिए इस चीज़ के बारे में, दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे, TCS और VAT दोनों सीखेंगे कैसे हम लोग काटेंगे इसको। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट कंपनी पर है हम लोग, ऊपर क्रिएट कंपनी, और यहाँ पर मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, दीपक वाइन शॉप, और यहाँ पर इंडिया ले लेता हूँ, और यहाँ पर स्टेट बिहार, और ये सब पिन कोड है अपना, डाल सकते हैं चाहे तो। इंटर करते हुए एक्सेप्ट, और जैसे कीजिएगा तो इस तरह से खुलेगा आपका एक्टिवेशन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा, और शुरू से आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, आप गेटवे टैली पे हैं, यहाँ पर नो वाउचर एंट्री यानी एक भी एंट्री नहीं हुआ है। और सबसे चलेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर F11 करेंगे। F11 करने के बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे इंटर करते हुए, और यहाँ पर देखिए VAT है, यहाँ पर GST दे रहा है, सॉरी GST, तो इसको नो कर लेंगे हम लोग, GST का काम नहीं है हमको। और इसके नीचे आएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिखा है TCS। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन यानी TCS और VAT दोनों को यस कर लेना है। यहाँ पर इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, इन दोनों ऑप्शन को यस कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए मैं इसको यस कर लेता हूँ, और जैसे यस कीजिएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी आप डाल दीजिएगा 11 अंक का, और इंटर करके यहाँ पर 10 नंबर भी है, ये भी डाल दीजिएगा आप लोग कोई भी, अल्फ़ाबेट नोमेरिक ऐसे मिलाकर होता है ये चीज़। तो मैं कोई भी डाल ले रहा हूँ। यहाँ पर कंपनी ले लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर ब्रांच, तो ब्रांच यहाँ पर ले लीजिएगा आरा, मैंने कोई सिटी का नाम दे दिया। यहाँ पर सिट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसके रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो यस कर लेंगे और इसका डिटेल्स यहाँ पर भर लेंगे। जैसे नेम, तो नेम में हो जाएगा, मैं डाल देता हूँ दीपक, सन में हो जाएगा राजा, डिजिग्नेशन में अकाउंटेंट, उसके बाद पेन नंबर में कोई भी एग्जांपल फॉर पेन नंबर सही डालिएगा, 5 अल्फाबेट, 4 नोमेरिक और 1 अल्फाबेट, यानी इस तरह से डालिएगा कि पेन नंबर सही होना चाहिए, मतलब जिस तरह से उसका पेन नंबर का फॉर्मल होता है उस तरह से डालना है आपको, यानी 5 अल्फाबेट, 4 नोमेरिक और 1 अल्फाबेट। उसके बाद फ्लैट नंबर, उसके बाद नेम ऑफ बिल्डिंग, तो यहाँ पर लिखिएगा दीपक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, उसके बाद NH 30, उसके बाद यहाँ पर एरिया, तो लिख दीजिएगा कोई भी एड्रेस अपना डाल दीजिएगा, इस तरफ बढ़ते जाइएगा, मोबाइल नंबर है यहाँ पर डाल सकते हैं चाहे तो, जो भी है, स्टडी कोड है 0162 डाल सकती हैं, यहाँ पर फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, ये भी डाल लीजिए, adobe@gmail.com। चलिए ये सब हो गया, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, इसको यस नहीं करना है, लिमिट सेट नहीं करना है हमको, छोड़ देंगे एक्सेप्ट, सॉरी यहाँ पर VAT को भी यस कर लेना है, ये तो यस हो गया, इसको भी यस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर VAT को भी यस कर लेंगे, यस। और इसमें पूछेगा स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, टिन, तो है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी ना रहेगा, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये मेरा TCS एक्टिवेट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन बना रखा है, इसका PDF फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है कि यहाँ पर देखिए लेजर बनाना है, और लेजर बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर देखिए TCS नेचर ऑफ गुड्स, यानी TCS का नेचर ऑफ गुड्स पहले बनाना है, तो इस चीज़ को पहले बना लीजिएगा आप लोग, उसके बाद लेजर क्रिएट करेंगे तो आसानी हो जाएगा। तो देखिए नेचर ऑफ गुड्स, और इसका नेचर ऑफ गुड्स क्या है, अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो चलिए पहले नेचर ऑफ गुड्स बना लेते हैं, क्रिएट में चलेंगे और नीचे आएंगे, तो देखिए TCS नेचर ऑफ गुड्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए लिखा है TCS नेचर ऑफ गुड्स, बस इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर नेम, तो नेम में देखिए क्या है, यहाँ पर
अल्कोहल लिक्विड फॉर वुमेन्स कंजप्शन। तो यहाँ लिख लेंगे अल्कोहल लिक्विड फॉर वुमेन कंजप्शन। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन, तो सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन कोड 206C, तो 206C। उसके बाद पेमेंट कोड, तो पेमेंट कोड है 6CA, 6CA, CA। और मैं ऊपर वाले पे थोड़ा सा कैपिटल लेटर में डाल लेता हूँ C, ये हो गया। चलिए यहाँ पर पूछ रहा है विथ पेन, यानी पेन के साथ आप लोग कितना टैक्स देना है, तो 1%, तो 1% ले लेते हैं यहाँ पर, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। यहाँ पर लिमिट पूछ रहा है कितने से ज़्यादा हो तो टैक्स काटें, तो हम लिमिट यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर 10,000 डाल देते हैं तो 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कीजिएगा तभी TCS कटेगा, उससे कम पे नहीं कटेगा, तो इसलिए मैं लिमिट यहाँ पर कोई भी नहीं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर 1% हम लोग TCS ले लिए, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये नेचर ऑफ गुड्स बन गया। अब चलते हैं फिर क्वेश्चन पे, ये चीज़ तो बन गया, अब यहाँ पर आते हैं लेजर बनाने। तो चलिए मेंटोस क्लब का एक लेजर बना लेते हैं, क्रिएट लेजर और यहाँ पर मेंटोस क्लब, सेंड्री डेप्टर्स हो जाएगा, इंटर, यहाँ पर TCS अप्लीकेबल, यस कर दीजिएगा इसको, और यस कीजिएगा तो यहाँ पर पूछेगा बायर लेस टाइप, यानी किस तरह का है बायर जो खरीदने वाला है, तो यहाँ पर ले लीजिएगा कंपनी रेसिडेंट ले लीजिएगा। उसके बाद इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा, और यहाँ पेन नंबर आपको डालना ज़रूरी है, क्योंकि पेन नंबर नहीं डालिएगा तो आपका ये चीज़ टैक्स नहीं कटेगा, तो पेन नंबर डाल दीजिएगा। एग्जाम्पल 4 ही डालिएगा, गलत ही डालिएगा, लेकिन सैंपल उसी तरह होना चाहिए जैसे 5 अल्फ़ाबेट, 4 नंबरिक और 1 अल्फ़ाबेट। तो मैं डाल देता हूँ ASDFG और 4, 1, 2, 3, 4 नंबर और फिर के, यानी मैंने पेन कार्ड का सैंपल डाल दिया है। चलिए इंटर कर लेंगे, इंटर करते हुए एक्सेप्ट, ये हो गया मेंटोस क्लब। उसके बाद है सेल का लेजर है एक, तो सेल का लेजर बना लेते हैं, सेल एट द रेट 25%, तो 25% इसका ग्रुप हो जाएगा सेल का सेल अकाउंट, इंटर यहाँ पर बैट अप्लीकेबल, तो अप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पर नो ही रखिएगा, यस मत कीजिएगा। यहाँ पर TCS अप्लीकेबल पूछ रहा है, तो इसमें आप लोग अप्लीकेबल ले लीजिएगा, स्पेस बटन दबाइएगा तो आ जाएगा अप्लीकेबल, ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स, तो नेचर ऑफ गुड्स यहाँ से ले लीजिएगा अल्कोहल लिक्विड फॉर वुमेन कंजप्शन, इस साइड से शो कर रहा है, ले लीजिएगा और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। इसी तरह सेम भैट का बना लीजिएगा 25%, 25% और यहाँ पर इंटर कीजिएगा, और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पर भैट ले लीजिएगा, भैट बना रहे तो भैट। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज नहीं डालना है, यहाँ पर आइएगा और TCS अप्लीकेबल में अप्लीकेबल कर लीजिएगा, और यहाँ पर अल्कोहल लिक्विड फॉर वुमेन कंजप्शन ले लेना है, नेचर ऑफ गुड्स में यहाँ से ले लीजिएगा ये चीज़, इंटर एक्सेप्ट। अब इसी तरह TCS का भी लेजर बनाना है, TCS 1%, तो यहाँ पर TCS एट द रेट 1%, ड्यूटी एंड टैक्सेस हो जाएगा, यहाँ पर TCS हो जाएगा, और इंटर करेंगे तो यहाँ पर ले लेंगे अल्कोहल लिक्विड फॉर वुमेन कंजप्शन, तो लेकर इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद क्या है, एक बैंक का लेजर है, तो एक बैंक का सिंपल लेजर बना लीजिएगा, कौन सा बैंक का है, कैनरा बैंक, बैंक का ग्रुप, बैंक अकाउंट, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट, ये बन गया। चलिए बैक कर लेते हैं अब, और बैक करने के बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है कि कंपनी सेल द 50 बोतल रॉयल स्टेज वाइन है, ठीक है, रॉयल स्टेज 900 ml का 50 बोतल सेल कर रही है, तो एक रॉयल स्टेज का आइटम बना लेंगे हम लोग। चलिए इसको बना लेते हैं पहले, क्रिएट स्टॉक आइटम, और यहाँ पर रॉयल स्टेज
रॉयल स्टेज 900 ml। इंटर करेंगे, इसका ग्रुप पूछेगा, तो अल्ट सी करके ग्रुप बना लीजिएगा, अल्ट सी, और इसका ग्रुप हो जाएगा वाइन, या बियर भी लिख, सॉरी दारू है तो वाइन लिखिएगा। एक्सेप्ट, उसके बाद यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट बोतल में है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोतल, तो ये ले लीजिएगा बोतल, अल्ट सी करके ये भी बना लीजिएगा अल्ट सी, और यहाँ पर बोतल, एक्सेप्ट कर दीजिएगा इसको। और यहाँ पर आपको वैट यस करना है, क्योंकि इस पर टेक्स्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सेट अल्टर वैट डिटेल्स, इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं यस करता हूँ, और यहाँ पर 25% दे देना है आपको वैट रेट। चलिए इंटर, एक्सेप्ट, ये बन गया, बस बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेल का क्वेश्चन है कि सेल 50 बोतल रॉयल स्टेज, और 50 बोतल है, रेट है 610 रुपये पर बोतल टू मेंटोस क्लब, मेंटोस क्लब को सेल किया जा रहा है विद द वैट एंड टीसीएस अप्लीकेबल, इनवॉइस नंबर ये है और वैट एंड टीसीएस लग रहा है इस पर। तो चलिए वाउचर में चलते हैं, F8, पार्टी नेम हो जाएगा मेंटोस क्लब, यहाँ से ले लेंगे, इंटर करके ये सब आगे बढ़ जाइएगा, इसको भी, उसके बाद यहाँ पर सेल का लेजर ले लीजिएगा, सेल करें तो सेल का लेजर, और क्या सेल करें तो रॉयल स्टेज, तो रॉयल स्टेज ले लीजिएगा। यहाँ पर क्वांटिटी कितना है तो 50 है, और रेट है 610, तो 50 यहाँ ले लीजिएगा। नेगेटिव स्टॉक शो करेगा क्योंकि हम लोग सेल में एंट्री मार रहे हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर 610 रुपये रेट, इंटर करेंगे अमाउंट, ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ यहाँ पर अमाउंट आ गया, इंटर इंटर और इंटर। यहाँ पर वैट ले लेंगे, देखिए यहाँ पर वैट शो कर रहा है, यहाँ से वैट, देखिए वैट कट गया, फिर इंटर करेंगे, और फिर यहाँ टीसीएस ले लेंगे, तो ये भी आ गया, देखिए यहाँ पर कट गया, बस इंटर करते हुए न्यू रेफरेंस, और रेफरेंस नंबर यहाँ हो जाएगा M01, तो यहाँ पर M-01, बस इंटर इंटर एक्सेप्ट, ये हो गया आपका टीसीएस कट गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि पेड टीसीएस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल मंथ का टीसीएस आपको पे करना है चेक के थ्रू, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर वाउचर और F5 कर लीजिएगा, और F5 करके यहाँ पर कंट्रोल F कीजिएगा, कंट्रोल F कीजिएगा, तो यहाँ पर पूछेगा स्टेट पेमेंट, तो यहाँ पर ले लीजिएगा स्टेट पेमेंट। यहाँ पर क्या पे कर रहे हैं, तो TCS, तो TCS सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर कब से कब तक का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रैल एंड मई, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अप्रैल 1/4 से लेकर 31/5 मई हो जाएगा, उसके बाद 1/4 का इनवॉइस बनेगा, इंटर, यहाँ पर सेक्शन कोड आ जाएगा, उसके बाद अल्कोहल लिक्विड ह्यूमन कंजप्शन, यहाँ पर कंपनी ले लीजिएगा, यहाँ पर रेसिडेंट ले लीजिएगा, यहाँ पर बैंक लीजिएगा, कैश मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी टीसीएस पे किया जाता है गवर्नमेंट को तो चेक के थ्रू ही दिया जाता है, इसलिए कैश मत लीजिएगा, बैंक लीजिएगा, उसके बाद इंटर। देखिए ऑटोमेटिक ये चीज़ आ गया आपका, देखिए यहाँ पर 76 रुपये अमाउंट आ गया, और यहाँ पर कैनरा बैंक, और यहाँ पर TCS आ चुका है, और क्या क्या कटा है यहाँ पर सारा डिटेल्स शो कर रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा, बस आपको बस इंटर करते हुए चेक नंबर यहाँ पूछेगा, सॉरी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर जहाँ पूछ रहा है, तो ये डाल सकते हैं आप, ये वाला नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, 1025 शायद दिया हुआ है, बस इंटर एक्सेप्ट, ये आपका TCS पे हो गया। और चेक ऑल रिपोर्ट, TCS का रिपोर्ट चेक करना है तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएंगे डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट, और यहाँ पर TCS रिपोर्ट, और यहाँ पर चलान है, फॉर्म्स 27EQ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जो कटा हुआ है, ट्रांजेक्शन जो हुआ है, ये हो गया। उसके बाद TCS आउटस्टैंडिंग, यानी जो बचा रहेगा उसके लिए, तो बचा तो है नहीं कोई भी, मेरा TCS पे हो चुका है तो इसलिए नहीं शो कर रहा है। और यहाँ पर चलान है, देखिए है, अभी चलान हम लोग जनरेट नहीं किए, चलिए मैं चलान भी जनरेट करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये हो गया है, अब इसका चलान देखना है आपको, तो सिंपल आप डेबुक में चले जाइएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन TCS वाला जो पेमेंट का है
उसको ऑन कर लीजिएगा, ये है पेमेंट, इंटर कीजिएगा और कंट्रोल पी कीजिएगा, कंट्रोल पी, और यहाँ पर आई प्रेस कर दीजिएगा या प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, आई प्रेस कीजिएगा या तो प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा माउस से। तो ये देखिए आ गया, और ऑल्ट जेड से जूम कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा आपको मिल जाएगा TCS चलान, यहाँ पर TCS लिखा हुआ है, यहाँ पर सारा अमाउंट आ चुका है, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है यहाँ पर। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग बना लीजिएगा। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम लोग TCS बनाएंगे। अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।